हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आपके लिए बहुत ही शानदार इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें बात करेंगे दोस्तों हम हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि भैया कैसे इफेक्टिव स्टडी करें, क्योंकि लोगों को प्रोसेस पता ही नहीं होता है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो आप कंसिस्टेंटली यूज़ करोगे दोस्तों तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इन्हेंस हो जाएगी। जिसको पता है वो आगे निकल जाता है, जिसको नहीं पता वो बेचारा बोलते ना गधे की तरह मेहनत करते रहता। तो इट्स ट्रू, होता है। अगर आप सिंसियर बंदे हैं एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, देन जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड होगी, कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर होगी, ये गौरव तिलथिया का वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया, मेरा नाम सबसे पहले याद रख लो दोस्तों, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंट हार्डवर्क में। आप भी अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, ज़रूर लाइफ में ग्रोथ होगी, इंप्रूवमेंट होगी। देखो भाई, सारा का सारा मैंने प्रॉपर लिख लिया है कि क्या आपको ध्यान रखना है स्टडी करते वक्त, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। इस कैमरे को करते हैं अपन यहाँ मार्केट में इधर, ताकि टेंशन खत्म, और यहाँ फोकस करते हैं यहाँ, ठीक है। देखो भाई, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली का पहला प्रोसेस है, पहला पॉइंट ये है कि यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। प्लीज़ गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि टेबल पर जब बैठोगे तो ऐसा ना हो कि ये मार्कर यहाँ पड़े हैं, पेन पेंसिल ये इधर उधर पड़े, ये पड़ी हुई हैं, ये है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो हालांकि मैंने यहाँ से उठाया अपने बॉक्स में से, बट सब कुछ टेबल बिल्कुल चकाचक शानदार होनी चाहिए, तो दिल खुश हो जाए बैठने से ही। ऐसा ना हो कि देख के पहले घबराहट हो गई कि 6 किताब ऑलरेडी रखी हैं, पढ़ रहे हो आप जी के, रखी मैथ्स की भी है, इसकी भी रखी, इंग्लिश की भी रखी, और कुछ बुक्स तो ऐसी रखी रहती जिनको कभी जीवन में नहीं पढ़ना लेकिन वो भी रखी हुई हैं। तो उससे क्या होती है, माइंड में इतना सारा कंटेंट देख के घबराहट होती है। तो इन ऑर्डर टू बी प्रोडक्टिव यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कलर करते हैं चेंज ताकि आपको और अच्छा लगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज होने के लिए सबसे पहले पता मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ पढ़ना होता है या कुछ भी काम करना पड़ता है तो मैं एक 5 मिनट का अलार्म सेट करता हूँ कि गौरव सेट अलार्म फॉर 5 मिनट्स, ऐसा बोलता हूँ मतलब गूगल से। 5 मिनट के अंदर फटाफट जमा लेता हूँ चीज़ों को, फटाफट जमा लेता हूँ कि क्या क्या मेरे को मेरे टेबल पर साफ चाहिए, तो बिल्कुल चकाचक हो जाती है अपनी 5 मिनट के अंदर टेबल। और उसके बाद अपन फिर बैठते हैं बिल्कुल अटैक करने के लिए कि हाँ भाई, अब अपन रेडी हो चुके हैं युद्ध के मैदान के लिए, अब अपना काम करो, है ना। तो ऐसे लिए आपको भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आप ट्राई करके देख लेना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ये मतलब रिसर्च है यार, ये मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं बना रहा कि बिल्कुल गौतम बुद्ध भगवान की तरह मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और मैंने बस बोल दिया बिल्कुल बकबक वगैरह जो जो, ऐसा नहीं। मैंने भी कुछ वीडियोज़ देखे हैं, कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं, वहाँ से मुझे पता चला है, ठीक है। और ये वाला जो गेट ऑर्गेनाइज का जो टर्म जो है ना, ये मैंने एक बुक से भी पढ़ी थी। उस बुक का नाम है मेक एवरी सेकेंड काउंट। अब सोचो बुक का ही नाम कितना खतरनाक है, मेक एवरी सेकेंड काउंट, जब बुक का ही नाम है तो उसमें कितनी प्रोडक्टिविटी वाली टिप्स लिखी होंगी। तो अभी के लिए बस इतना रखो, याद रखो कि कुछ भी काम करोगे सबसे पहले ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर दो। दूसरा, कैरी अ होमवर्क प्लानर एट ऑल टाइम्स। आपके पास एक पूरा का पूरा डेली शेड्यूल होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए कि भाई आज है जैसे ट्यूसडे, आज है तारीख 26, तो आज 26 तारीख को क्या क्या मुझको करना है। अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो आप हो चुके हो फेल, इस बात की गारंटी बिल्कुल सच बताऊंगा, आई विल नॉट लाई टू यू। जितने भी प्रोडक्टिव लोग हैं, जितने भी दुनिया में नाम ले लो, स्पोर्ट्स पर्सन से लेके सुपरस्टार से लेके बिजनेसमैन, उनके सबके पास डेली प्लानर होता है कि हम भैया 12 से ये करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, उसके बाद 3 बजे से ये करेंगे, फिर पावर नैप लेंगे, फिर 4 से 5 ये करेंगे और 6 से 7 ये करेंगे, फिर वर्कआउट करेंगे, फिर आगे प्रेम से नहा धोकर प्रेम से हो जाएंगे चादर ओढ़कर। पूरा प्लान होता है जब जाके प्रोडक्टिव होते हैं, जब ही दुनिया में नाम बनता है। तो आपके पास अगर प्लानर नहीं है ना, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। तो पहली स्टेप है कि आपको बिल्कुल साफ सफाई ऑर्गेनाइज्ड होना है, आपकी टेबल बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सिर्फ वही किताब होनी चाहिए जो आपको पढ़ना है। मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो मेरे पास एक किताब होती है। अगर मैं कुछ एमपी के बारे में पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं आई बिलोंग टू एमपी, तो मैं एमपी के बारे में जो बुक रहेगी वही मेरी आँखों के सामने होगी। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ प्रोडक्टिविटी की, देखो ये देखो एक बुक है मेरे पास द प्रेजेंट करके, है ना, बहुत ऑसम बुक है ये। तो अभी ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने बस यही है, ओके। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और मेरे पास पूरा प्लानर रहता है, ये देखो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यार प्रोडक्टिव बनना इट्स नॉट अ केक वॉक, बच्चों का खेलना। ये मेरे पास पूरी डायरी है, इसमें मैं अपने पूरे गोल्स लिखता हूँ कि आज जैसे मैंने पूरा लिख लिया है कि आज 26 तारीख है भैया, 26 अक्टूबर, आज क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारा लिख लिया है और मैं उसके हिसाब से गोल अचीव कर रहा हूँ धीरे धीरे। और ये वीडियो बनाना और आपकी हेल्प करना भी इस गोल का एक पार्ट था, तो वो मैं अभी कर रहा हूँ, देखो अभी राइट नाउ, ठीक है। तो मैं ऑर्गेनाइज्ड था, मेरे पास प्लानर है, तो वो काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही धीरे धीरे।
पे अटेंशन इन द क्लास। आपकी क्लास में जब भी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो सिर्फ मनोरंजन करने के लिए मत जाओ, अटेंशन से पढ़ो। इतना टाइम वेस्ट करके आप गए हो 1-2 घंटे के लिए, तो कुछ सीख कर आओ, वहाँ अटेंशन दो कि क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। मतलब ऐसा मत करो कि गए हैं और कोचिंग के नाम पर मनोरंजन करते हो, फुल की चाट समोसा खा के आ गए, ऐसा मत करना। समझ में आया? अटेंशन दो कि आज के दिन क्या हुआ क्लास में। अगर ऐसे अगर थोड़ा सा प्रोडक्टिव स्टार्ट कर दोगे ना, थोड़ा फोकस्ड रहना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी करना। क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त और फ्रेंड्स लड़का लड़की क्या करते हैं, मनोरंजन करके आ जाते कोचिंग के नाम पर, उधर जाकर चाय पी के जाएंगे, वो एक बोले कि मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो भैया वो देवी जी को कॉफ़ी पिला के आ गए और तुमने और पैसा खर्च करके आ गए और बस पेट्रोल जला के कोई मतलब नहीं। इसलिए क्लास में जा रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, अटेंशन देना इज़ मस्ट। क्योंकि इफेक्टिव स्टडी का मतलब ही वो है जब आप अटेंशन से काम करोगे, है ना। सुपरफिशियल तरीके से करोगे तो कभी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। तीसरा, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीयर क्लियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अरे भैया अगर ये नहीं, अगर ये कर लिए ना, तो बाकी काम लेनर प्लानर ऑर्गेनाइज अपने आप हो जाओगे। ये दुनिया का सबसे खतरनाक टास्क मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से 2021 में सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो मोबाइल की वाइट स्क्रीन है। इतना डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना दोस्तों हम लोग, साला ये इधर 5 मिनट हुए नहीं कि एक मोबाइल फिर मैसेज आ गया, 17 ग्रुप बना कर रखे हैं तुमने, तो यहाँ से मैसेज, वहाँ से मैसेज, ये फोटो, वो वीडियो, लो भाई बर्बाद। तो इस चक्कर में क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि आप कभी सोच ही नहीं पाते हो कि आपको करना क्या क्या नहीं करना है। आपकी प्रायोरिटी आप सेट ही नहीं कर पाते क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है दोस्तों। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का एक ही तरीका है कि चीज़ों को कर दो कट, फ़ोन चलाना थोड़ा कर दो कम, थोड़ा बोल रहा हूँ, पूरा नहीं कर, पूरा तो हो भी नहीं पाया किसी बाप से, थोड़ा थोड़ा कर दो कम। बाकी चीज़ों में अनवांटेड टाइम देना बंद कर दो, घूमना फिरना, फालतू इधर उधर जाना, मॉल में घूमना, दोस्तों से हर वक्त मिलने जाना, है ना, गाने सुनना, ये सब कम करोगे ना तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे थोड़े कम। और जहाँ चिल्ला चोट कम हो, बच्चे बच्चे कम चिल्लाएं, एरिया थोड़ा शांत हो, वहाँ अपना काम करो। या घर में ही अगर रहते हो, घर में मान लो खूब हल्ला मचता है, तो भैया डिसाइड कर लो कि रात में पता है 10 से 12 तक कोई आवाज़ नहीं करता ज़्यादा, तो उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई चालू करो। थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहोगे उतने ज़्यादा अपने आप प्रोडक्टिव होते हुए चले जाओगे आप, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इधर उधर की फालतू वीडियो देखे तो फिर आप क्या है, आप प्रोडक्टिव छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में चले जाओगे। तो इसलिए अभी आपने कुछ सीखा ना यहाँ से, तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, टाइम पास मत करना। क्योंकि भाई मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या जितने भी लोग थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो भी प्रोडक्टिव रहें ताकि ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाएं अपन, ठीक है। चौथा क्या है, मेक श्योर नोट्स आर कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप पढ़ते लिखते समय अपने नोट्स नहीं बनाते तो आपसे बड़ा मूर्ख विद्यार्थी पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड डीप रिस्पेक्ट इज ऑलवेज। लेकिन सच बता रहा हूँ, नोट्स दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। नोट्स का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आपने बुक उठाया और पूरा का पूरा लाइन वन से लेकर लाइन लास्ट लाइन तक पूरा उतार दिया, नहीं। नोट्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको लगती है यार ये इंपॉर्टेंट लगती है मुझको और ये मैं भूल जाता हूँ, तो उसको नोट्स में लिख लें। जैसे एक बार मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा था, एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो रिवर्स के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी। मैंने टॉपिक पर वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देखिएगा ज़रूर, बहुत पसंद आएगा। तो मैं रिवर्स पढ़ रहा था ना, तो मुझको अब इतनी सारी रिवर्स ब्रह्मपुत्र से इतनी मिल रही हैं, यमुना से इतनी मिल रही हैं, गंगा से इतनी मिल रही हैं, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा बाबा ये तो भूल जाएंगे अपन, तो क्या करते हैं अपन नोट्स बनाते हैं। फिर मैंने बढ़िया से एक नोटबुक लाई, दिखाता हूँ तुमको, देखो ये, देखो ये पूरा मेरे पास ये वाला है, पूरा रजिस्टर बना हुआ है, इसमें पूरा सब कुछ लिखता हूँ, मतलब पूरा फुल हो चुका है ये पूरा। तो इसमें मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया कि भैया कौन सी रिवर कहाँ से जाती है, कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, यमुना नदी की कितनी ट्रिब्यूटरी है, गंगा से यमुना कहाँ मिलती है और इलाहाबाद में क्या है, और चंबल नदी कहाँ से आ रही, बेतवा कहाँ से आ रही, सिंध कहाँ से आ रही, इंडस, झेलम, चिलाम, रावी, व्यास, सतलुज, सब कुछ मैंने लिख लिया अच्छे तरीके से प्रॉपर। अब मैंने क्या किया उसको, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, प्यार से सुनना, ईमानदारी सुनना, मैंने 10-15-20 बार उस पेज को देख लिया, मुझको सारी रिवर्स तोते की तरह ऐसे चुटकियों में याद हो गई। अब मेरे सामने क्वेश्चन आ गया तो फोड़ डालूंगा, कहीं दुनिया का कहीं का भी एग्जामिनर हो अपन फोड़ देंगे अगर रिवर्स से क्वेश्चन आ गया तो, ये मेरा बिलीफ है क्योंकि मैंने उसको बनाया नोट्स में और उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कर लिया। यही लोग बड़े बड़े IAS IPS करके बैठे हैं, वो लोग थोड़ा कम बताते होंगे लेकिन करते वही हैं, और यही सीक्रेट है, ओके। तो नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो भैया बनाना चालू कर दो, रजिस्टर लेके जाओ और प्रेम से नोट्स बना लो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी इफेक्टिवली एंड इफ़ यू रियली वांट टू बी अ प्रोडक्टिव स्टूडेंट, ओके। मैन वोमैन नहीं बोलूंगा क्योंकि सब शानदार शानदार बिल्कुल नए लड़के बच्चे हो, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें नोट्स कैसे बनाते हैं जो मैंने इंप्लीमेंट किया है या कहीं से सीखा है, तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में कोई अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा। अब देखो क्या है,
आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। देखो भाई, पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि आप जो भी पढ़ते हो आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा, आपने रट लिया, तो हो गया खेल ख़त्म। जैसे मैं कल पढ़ रहा था, कल मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। उसमें लिखा था येरवाड़ा जेल, येरवाड़ा जेल। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं येरवाड़ा जेल कहाँ है। सुना तो है ये दोस्तों, कहाँ? ये गांधी जी को जेल पहुँचा दिया गया था उस टाइम पर, कब? 1931-32 के टाइम पर। तो येरवाड़ा जेल में गांधी जी थे। अब मैंने वही सोचा कि मेरे दिमाग में आया कि येरवाड़ा जेल है कहाँ भाई? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, पता तो चले। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये भैया महाराष्ट्र स्टेट में पुणे सिटी के अंदर ही है। पुणे, आप बोलते हैं ना पुणे जा रहा है, पुणे, तो पुणे के अंदर येरवाड़ा जेल है। अब मैंने इसको समझ लिया है। अब दुनिया का कोई भी बंदा हो, कोई बच्चा हो, किसी को भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भैया येरवाड़ा जेल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पुणे नाम की सिटी के अंदर है। तो ऐसी चीज़ें याद होती हैं। अब मुझको रटने की ज़रूरत नहीं है कि येरवाड़ा जेल में थे गांधी जी। अब साफ साफ समझ में आ गया। और इससे मुझको ये भी समझ में आ गया कि जब येरवाड़ा जेल जो है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में येरवाड़ा जेल में गांधी जी थे। और एक बार याद है पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, जो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था पूना पैक्ट? क्योंकि भैया बी आर अम्बेडकर पूना गए थे, किससे मिलने के लिए? गांधी जी से। क्यों गए थे पूना? क्योंकि पुणे के अंदर ही तो वो जेल है येरवाड़ा। समझ में आया? ऐसे लिंक करते हैं और ऐसे पढ़ाई होती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो पूना पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि पुणे के अंदर ही येरवाड़ा जेल है, और उसी जेल में मिलने के लिए बी आर अम्बेडकर अपने गांधी जी से मिलने गए थे। तो अब मैंने उसको, मेरे को रटने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझ लिया है। अब अगर कहीं का क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आईएएस का इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया कुछ, तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा ऐसी ऐसी कहानी हुई थी। इसको बोलते हैं ईमानदारी से पढ़ाई करना, क्वेश्चंस पूछ कर। ठीक है, ये देखो, मेक अ स्टडी शेड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्टडी इफेक्टिव स्टडी करने के बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे जब चाय बनती है तो उसमें दूध भी चाहिए, थोड़ा सा पानी भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, दुनिया भर के आइटम चाहिए जब जाकर चाय औसम बनती है। इसीलिए पढ़ाई का मतलब कोई एक तरीका नहीं होता है, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, आप इसको करते हैं यहाँ, ठीक है, अब आ जाओ। तो इसमें लिखा हुआ है कि मेक अ स्टडी शेड्यूल। तो भाई, जैसे मैं आज का, जैसे मुझे कुछ स्टडी शेड्यूल बनाना है, तो आज है 26 अक्टूबर, प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आप क्लिक कर पाएँ, समझ पाएँ। पूरा बता पढ़ लूँगा मैं कि आज मुझे एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज मुझे एक प्रोडक्टिविटी के लिए एक बुक पढ़नी है, और कुछ रिवीजन करना मेरे को, मान लो 60 मिनट, और मुझे मान लो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पढ़ना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आपने जिस स्टेट से, मुझे पता तो होना चाहिए मध्य प्रदेश में क्या क्या है, पहले कौन से राजा महाराजा ने क्या किया, तो मैं उसके बारे में पढ़ूंगा। तो मैंने 4 गोल हो गए, और 5वां गोल और कुछ भी और लिख लिया मैंने, है ना, कि मेरे को रिविजन और करना है, या फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत का मुझको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में पढ़ना है, बस ये मेरा गोल आज का। तो मैंने आज का स्टडी प्लान बना लिया। अब दुनिया की कोई ताकत जाए, मैं इस चीज़ से चेंज नहीं होने वाला। आज के गोल मेरे इतने हैं, बस मुझको इतना अचीव करना है, मैं जीत जाऊँगा। मुझको पूरी लक्ष्मीकांत बुक नहीं उड़ानी है, ना कि पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, ना कि मुझको पूरा रिविजन करना जितना मैंने इतने सालों में पढ़ा है। बस मुझको क्या करना है, मुझको आज के गोल अचीव करने हैं, तो वो मैंने स्टडी प्लान में बना लिया। बस इतना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है ये। अगर इतना सीख गए ना, अगर आपने नाउ गोल पर फोकस करते हुए आज के प्लान गोल को अचीव कर लिया, तो आप जीत गए। क्योंकि आज करेंगे, कल का अपन कल देखेंगे, कल फिर बनाएंगे, कल फिर अचीव करेंगे। कभी भी इकट्ठा मत सोचो कि मैं इधर से लेके ए पॉइंट से लेके जेड पर कैसे पहुंचूंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्खता वाली बात है, कोई नहीं पहुंच पाता, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ऐसे करके जेड पर पहुंचोगे, यही तरीका है। कोई बंदे स्पीड में जाते हैं, कुछ स्लो जाते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, आज पर फोकस करो, नाउ पे, कि आज के दिन क्या होगा, व्हाट मस्ट हैपन टुडे, आज क्या होना चाहिए। तो उसका स्टडी प्लान बनाओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो। अगर 70-80% भी आपके गोल अचीव हो गए, तो आप जीत गए। बिल्कुल अपने, मतलब कंधे पे शाबाशी दो अपने को कि भाई औसम गौरव तिलथिया, बहुत शानदार काम किया। क्योंकि अगर 70-80% भी हो गया, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी का यूज़ करते हुए अपने गोल पर पहुंच रहे हो। 100% किसी गोल अचीव नहीं हो पाते, विराट कोहली हो चाहे रोनाल्डो, सबकी गोल, मतलब दिक्कत आ जाती है, पूरे गोल किसी अचीव नहीं हो पाते। अब विराट कोहली आप खुद सोचो, वो आईपीएल कब से खेल रहा है, लेकिन अभी तक आरसीबी जीती नहीं है उसकी कैप्टनशिप में। तो उसने तो अपना बेस्ट दे दिया, लेकिन कभी जीती नहीं, तो कभी कभी पूरे गोल अचीव नहीं होते। लेकिन इस बार देखो, बिल्कुल एंड पॉइंट पर आके हारी वो, है ना, एंड केकेआर से एंड पॉइंट पे आके हारी ना। क्यों? उसने अपना बेस्ट दिया, जो भी था, बाद में रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एफर्ट अपने हाथ में है। तो उसने अपना प्लान बनाया और उस पर एग्जीक्यूशन करते हुए आगे तक पहुंच गया वो, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं स्टडी प्लान बनाना। अगर आपके पास प्लान नहीं है, तो आप प्रोडक्टिविटी कभी नहीं
प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकते और इफेक्टिव स्टडी भी कभी नहीं कर सकते। ये थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए 2-5 मिनट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। किसी को लगता है तो 2x कर ले स्पीड, ठीक है। ये देखो स्टडी शेड्यूल हो गया, अपना प्लान हो गया, और इम्पॉर्टेंट रिव्यू नोट्स। देखो रिव्यू नोट्स फ्रॉम क्लास एवरी इवनिंग। देखो भाई एक और एक तरीका ये होता है कि आपने सुबह से, जैसे अभी सुबह से पढ़ रहे हो 9 बजे से 10 बजे से 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, रात में जब बैठोगे शाम को बैठोगे तो पता तो चले कि भैया हमने दिन भर में पढ़ा क्या। तो जैसे मैं पढ़ूंगा, मैंने सोचा कि मैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ूंगा क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा भाई मैंने आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ लिया, अटॉर्नी जनरल पढ़ लिया, और SC ST के बारे में पढ़ लिया मैंने, और इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया। तो मुझे पता है कि मेरे 4 टॉपिक हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मान लो मुझको डाउट लग रहा है यार कैग में मैंने क्या पढ़ा था, उसकी कितनी एज होती है, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के हाथ में क्या क्या रहता है, तो मैं उसको एक बार रिव्यू कर लूँगा, उसका रिविजन कर लूँगा, हल्का सा रिविजन कर लूँगा ना दोस्तों, तो मुझको पक्का हो जाएगा वो। क्योंकि देखना आप किसी टॉपिक को पढ़ना और याद करना कि यार आपने क्या पढ़ा था, कुछ कुछ चीज़ आप उसमें भूल जाओगे, और भूलोगे ना तो उसका एक ही तरीका है, वो है रिपीटेशन और वो है रिवीजन। एक बार रिवीजन करना, कुछ ना कुछ आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो रिव्यू करना इज़ मस्ट। अगर रिव्यू नहीं कर रहा हो ना तो फिर क्या होगा, आपने आज ये किया ये किया ये किया ये किया, आपको पता ही नहीं पीछे क्या चल रहा है, निलवटा सन्नाटा, खेल खत्म। फिर आप सोच रहे हो यार हम तो प्रोडक्टिव है नहीं, क्योंकि पीछे का तो आप भूल गए ना यार, आपने जो इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत से यहाँ इस लेवल को क्रिएट किया है, तो पता तो होना चाहिए। हाँ मैं पिछले दिनों से ये पढ़ रहा हूँ, मैं पॉलिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। रिव्यू करते रहो कि क्या चल रहा मार्केट में, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई अपनी, कितना आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। लास्ट बात यह है दोस्तों, टॉक टू टीचर्स। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो भैया टीचर लूडो खेलने के लिए तो आए नहीं है, वो भाई आपको पढ़ाने के लिए आया, तो उससे बात करो, बात करो भाई कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, और कैसे इन्हेंस करूँ अपनी स्टडी लेवल को, और क्या कर सकता हूँ जाके इम्प्रूव कर पाऊँ। बात करो भाई, उनने देखो तुमसे बड़े हैं टीचर्स, उनको तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनने ज़्यादा दुनिया देखी है, कुछ ना कुछ तो वो ऐसा बता पाएंगे जो सच में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उनसे बात करो, समझो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है। ऐसे टाइम पर मत करो, ऐसा नहीं कि मजाक करके आ गए, उनसे बात करो, सर ऐसा एग्ज़ाम है, इसको कैसे क्रैक करेंगे, कुछ हेल्प करिए, कुछ सजेशन दीजिए, किसी को रिकमेंड करिए, किसका वीडियो देखूँ, किस तरीके से पढ़ाई करूँ, तो बात करो उनसे, वो बताएंगे आपको। वो टाइम पास नहीं करेंगे, वो टीचर का मतलब ये होता है कि वो हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों आज के लिए, फटाफट बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइज हो जाओ, टेबल बिल्कुल सपाचट मैदान होना चाहिए, प्लानर आपके हाथ में होनी चाहिए, डायरी की आज क्या क्या अचीव करने वाला हूँ, अटेंशन करो, क्लास में अटेंशन दो, मनोरंजन करके मत आओ, हैं टाइम पास करके, इससे अच्छा गाना सुन लो बैठ के। फिर तो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने के लिए भैया पढ़ाई करो, तो मोबाइल को साइड में फेंक दो, लॉक करके उधर डाल दो, दूसरे कमरे में डाल दो, उसको पेटी में ताला लगा बंद कर दो, साले को फोन आए चाहे नरेंद्र मोदी का फोन आए चाहे सलमान खान का, उठाने नहीं है, ठीक है। ऐसा माइंडसेट रहेगा जब आप प्रोडक्टिव रहोगे। और क्या है भाई, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट। नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हो सबको, खुद को भी। नोट्स रहेंगे तो क्या होगा कि आप रिविजन करते करते चैंपियन बनोगे। जब मैंने वोकेबलरी स्टार्ट करी ना दोस्तों, कम से कम 5,000 वोकेबलरी मैंने लिखी होगी, सच बता रहा हूँ। आई विल बी रियली ऑनेस्ट टू यू, सच बताऊंगा, मैंने 5,000 वोकेबलरी लिखी होंगी और उनको खूब मल्टीपल रिवाइज किया, जब जाकर मेरी वोकेबलरी इनहेंस हुई है ना। तब अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप अपने सामने रणवीर सिंह आ जाए या विराट कोहली, अपनी भी फाड़ू इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो भाई नोट्स बनाओ खूब सारे, रिविजन करो, तब चैंपियन बनोगे। क्वेश्चंस पूछो अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। अगर गांधी जी ने सत्याग्रह किया 1917 में तो क्यों किया भाई, क्या रीज़न था, नील की खेती थी, क्या था, वहाँ लोग गरीब थे, किस रीज़न क्या था। अगर समझ में आएगा ना तो कल के दिन आप IAS के इंटरव्यू में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। खेल पूरा कॉन्सेप्ट का होता है, रटन तो विद्या का नहीं। रटने वाले क्या होते हैं, वन लाइनर, छोटे छोटे एग्जाम निकालते हैं और छोटी छोटी पोस्ट लेके जिंदगी भर छोटे ही काम करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट याद करते हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो बड़े बड़े IAS IPS बनते हैं और वो राज करते हैं पूरे जिले पे और तुम पे भी और हम पे भी, है ना, अगर अपन अच्छा कुछ नहीं करेंगे तो। क्वेश्चंस पूछते रहो, स्टडी प्लान होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने टॉपिक कवर करने हैं आज में, कल में, इस तरीके से। ये तरीके हैं और कोई तरीके नहीं है। अपने नोट्स को देखते रहो कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा क्लास से, कितना रिवीजन करना है, क्या भूल गए, फिर से क्या रिवाइज करना है, यही तरीके हैं। कंसिस्टेंट रिवीजन करो। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एटलीस्ट 60 मिनट स्टूडेंट्स बनो किस चीज़ का, रिवीजन का। आपने जो भी पढ़ा हो दिन भर में, कुछ भी पढ़ा हो, अगर आपने 60 मिनट नहीं निकाले रिवीजन के लिए, तो आप पढ़ाई के नाम पर टाइम पास हो रहा है, क्योंकि आप भूल जाओगे यार। साइंटिफिक स्टडी है कि आप पढ़ने के बाद ही पता नहीं 30-40% हवा में उड़ जाता है। तो रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और बात करो अपने टीचर्स से, सजेशन लो उनसे, हेल्प लो, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बस दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया।
कमेंट करके अपना कुछ पॉइंट रखना हो, कुछ बताना हो, कुछ और भी आपने नई प्रोडक्टिविटी टिप सीखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में यूज़ करके बता सकते हैं, बाकी लोग भी देखेंगे। शेयर करें एक बंदे को जिसके चेहरे पर आप स्माइल देखना चाहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, दोस्त, कोई भी को होगा अच्छा वाला बंदा, उसको भेजो और उसको बताओ यस पढ़ो, धीरे धीरे इंप्रूव करो और सीखो चीज़ों को। हर दिन इंप्रूवमेंट पर जो फोकस करेगा वही योद्धा बनेगा ज़िंदगी में, वही जीतेगा। लाइक करके अपना प्यार दिखा दे दोस्तों, इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है बिल्कुल पंखा वंखा बंद करके, है ना, ताकि बिल्कुल प्रॉपर आवाज़ आए और आपको कंटेंट मिले। दिस इज़ माई इंस्टा आईडी, अगर किसी को कुछ भी डाउट है लाइफ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, यू कैन मैसेज मी देयर, है, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। PDF इसकी तो चाहिए नहीं है, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो PDF अगर चाहिए तो तब भी टेलीग्राम को कर लेना ज्वाइन। वहाँ रोज़ एक मैं शानदार विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स वाला एक वीडियो डालता हूँ और लिंक डालता हूँ ताकि आपकी ग्रोथ हो धीरे धीरे। सब्सक्राइब कर ले, इसी तरीके से मैं शानदार शानदार वीडियो लाया हूँ, क्योंकि भाई हमेशा छोटे वीडियो लाता हूँ और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, क्योंकि आई बिलीव कि वैल्यू अगर मैं प्रोवाइड करूँगा तो आप मुझसे अपने आप जुड़ेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को दबा के उसका ऑल कर देना, नोटिफिकेशन का ऑल पे जाके बेल आइकन दबाओगे तो ऑप्शन आएगा उस पर ऑल पे चले जाना, तो क्या है हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे आपको मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और रिविजन इज द की, बार बार चीज़ों को याद करते रहो, ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स को भी रिवाइज करते रहना, देखते रहना कि भाई क्या हमने सीखा था, वरना ये भी एक दिन हवा की तरह उड़ जाएगी और आप कहोगे फिर नई प्रोडक्टिविटी टिप ढूंढते हैं कहीं यूट्यूब पे, ऐसे में लोगों बर्बाद हो रहे हैं। एक बार समझ लो, सीख लो, उसको लिख के चिपका लो दीवार में और याद रखो उस चीज़ को, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बिकॉज यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड एंड देयर इज नो अदर पर्सन लाइक यू। You have your own voice, you have your own mindset, you have your own hair care, गाल बाल सब कुछ अपना है, so you are unique. Just proud, be proud of yourself and work hard every single day to make your dreams come true. Okay, thank you.